वेलकम टू माय चैनल द कुक हाउस फ्रेंड्स। आज बनाएंगे हम पिस्ता बादाम आइसक्रीम सिर्फ 1 लीटर दूध से, और बहुत ही यम्मी बनने वाली है गाइस। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें एक बार, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अपनी यम्मी सी आइसक्रीम को, झटपट से बनने वाली रेसिपी। तो गाइस सबसे पहले हम करेंगे गैस ऑन, फिर थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम इसमें पानी, जिससे हमारा जो दूध है तली पर चिपके ना। तो गैस यहाँ हमने लिया 1 लीटर दूध, तो इसको छान लेंगे छल्ली से। ऐसे ही हमने कच्चा दूध लिया है, तो सबसे पहले हम इसे बॉईल करेंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे हम। तो गैस देखिए हमारे दूध में बॉईल आ गया अच्छे से, तो इसे हम पका लेंगे थोड़ा गाढ़ा होने तक, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना हमें। तो इस तरीके से पका लेंगे। तो गैस दूध गर्म हो रहा है हमारा अच्छे से, तब तक हम ये बादाम छील लेते हैं। तो ये हमने गला दिए थे, सिर्फ 5 मिनट पहले ही गलाए थे गैस गर्म पानी में। तो आप लोग के पास टाइम है तो पहले गला दें, नहीं तो आप इस तरीके से गला करके तैयार कर लें। देखिए जरा सी देर में फूल करके तैयार हो गए, और देखिए छिलके अपने आप हट रहे हैं। तो इस तरीके से हम हटा लेंगे, देखिए आराम से हट रहे हैं, देखो है ना। बादाम छील कर साफ कर लिए, तो इनको बना लेंगे हम पेस्ट। तो गैस हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया, देखिए इस तरीके से कुछ। तो हमारा बादाम का पेस्ट तैयार है। तो हम ले रहे हैं ठंडा दूध, ये हमने ठंडा दूध ले लिया है गैस। तो इसमें हम लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ठंडा दूध डाल के गोल बना के तैयार कर लेंगे इस तरीके से। तो गैस हमने यहाँ ले लिए कुछ पिस्ता, इनको हमने क्रश करके रख लिया है, और यहाँ लिए हमने इलायची। तो गैस और ऐड कर लें। तो गैस इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है ताजी निकाल के, और ये छिलके हैं हम चाय में इस्तेमाल कर लेंगे, इनको फेंकना नहीं गैस, तो ये इस्तेमाल हो सकते हैं चाय के लिए। तो गैस मीठे के लिए हम ले रहे हैं शुगर मतलब चीनी, इस तरीके से आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मीठा ऐड कर सकते हैं गैस। तो मैंने यहाँ 1 बाउल लिया है 1 लीटर दूध के हिसाब से। तो गैस अब देख लेते हैं दूध, देख दूध देखिए हमारे कितना अच्छा सा पक के तैयार हो गया। इसके ऊपर मलाई इस तरीके से हमें पका लेना है। तो इसमें ऐड कर देंगे हम मीठे के लिए चीनी। तो गैस इसमें ऐड कर देंगे हम अपना बादाम का पेस्ट जो अभी पीस के रखा था हमने इस तरीके से, तो ये भी हम चला लेंगे। तो यहाँ ले रहे हैं हम थोड़ा सा पानी, जिसमें हमारा पेस्ट लगा रहेगा, तो वो भी हम इस तरीके से डाल लेंगे। तो यहाँ ले रहे हैं हम इलायची, तो इलायची को भी हमने ऐड कर दिया है। तो गैस दूध में आ गया अच्छे से बॉयल, तो अब ऐड कर देंगे हम इसमें कॉर्नफ्लोर, वो हमने भूल के रखा था अभी। तो इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो अभी हम 4 से 5 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे। तो देखिए पहले से कितना अच्छा सा गाढ़ा हो गया हमारा दूध, तो इस तरीके से ही हम बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है गैस आइसक्रीम इस तरीके से बनाएंगे तो। तो देखिए गैस दूध हमारा कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया पहले से, देखिए कितना अच्छा से इस तरीके से हम पका देंगे। तो हमें 10 मिनट मतलब 5 मिनट हमारी और हो गई पकाते हुए। तो अब कर देंगे हम गैस को बंद, तो कर लेंगे ठंडा इसे अच्छी तरीके से, फिर जमाएंगे हम इनकी कुल्फी, देखिए है ना। तो बस अब करते हैं गैस को ऑफ, थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम पिस्ता, गैस दिख रहे हो बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो गैस इसे ठंडा कर लेंगे हम पूरी तरीके से इस तरीके से चलाते हुए, फिर जमाएंगे हम इसकी कुल्फी। हमारा दूध जो है बिल्कुल ठंडा हो गया है, पहले से भी और ज़्यादा गाढ़ा हो गया इस तरीके से, देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर के हिसाब से। तो अब बनाते हैं कुल्फी, तो उसके लिए हमने ले लिए एक ट्रे, वही जो गिलास है ना हमारे टी वाले, तो इनमें बनाएंगे हम इस तरीके से ले लेंगे हम। तो गैस इस तरीके से हम लेंगे 1-1 स्पून उस तरीके से भर लेंगे हम। तो गैस हमारी 1 लीटर दूध में इतने मतलब कुल्फी हमारी बनकर तैयार हो गई है। दो हमारी ये हैं,
और काफी थोड़ा सा मतलब हमारा इतना ये बचा है, तो दो कुल्फी हमारी और बन जाएंगी। तो गैस हम यहाँ ले लेंगे एक इस तरीके से फॉइल, तो फॉइल को रैप करेंगे हम इस तरीके से, इस तरीके से लेंगे हम एक आइसक्रीम स्टिक, तो इस तरीके से सेट कर देंगे। तो सारी कुल्फियों को भी इस तरीके से कर लेंगे तैयार। गाइस थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे पिस्ता से, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं इस तरीके से। तो गाइस हमारी आइसक्रीम इस तरीके से हमने पैक कर दी है, तो रख देंगे फ्रिज में रबड़ लगा करके, जिसमें ये मॉइस्चर नहीं आए। इस तरीके से सभी में हम लगा देंगे रबड़ एक एक। तो गाइस इस तरीके से तैयार कर लें। आप रबड़ बैंड जो है बाद पहले लगा सकते हैं, या आइसक्रीम स्टिक लगाने से पहले आप लगा दें। तो गाइस सब रख देते हैं हम 6 से 7 घंटे के लिए इन्हें फ्रिज में। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं गाइस शाम को बना करके। तो गाइस हमने यहाँ रख दिए फ्रिज में, मतलब फ्रीजर में इस तरीके से। तो गाइस हमारी आइसक्रीम जम के तैयार हो गई, कम से कम 10 घंटे हो गए। मैंने इसे ओवरनाइट सूख करने मतलब ओवरनाइट रख दिया था। तो हम करते हैं ओपन इस तरीके से। तो देखिए गाइस हमारी आइसक्रीम बन करके तैयार है, कितने आराम से निकल रही है। तो देखिए इस तरीके से बना करके तैयार कर लें। तो यहाँ हम ले रहे हैं प्लेट में, तो कुछ गार्निश कर देंगे हम पिस्ता से, दिखने में बहुत सुंदर लगेंगे गाइस। तो गाइस हमारी रेसिपी आप लोगों को आज की कैसी लगी, पिस्ता बादाम आइसक्रीम हमारी बहुत ही यम्मी बनी है गाइस। तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और पसंद आए तो लाइक शेयर या सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।